जाने कहाँ से आ गए, ना जाने कहाँ से आ गए, कुछ करके धूम मचा गए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सब जानो छो एम धनराज ग्रुपे धनराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ना नेजा हेठळ बॉलीवुड नी अंदर एंट्री करी छे अने एक प्रोडक्शन हाउस उभू कर्युं छे। चार महीनाना टूंका गाळानी अंदर शूटिंग करी, प्रोडक्शन करी, सारा सारा बेनरो ने फिल्म करवा माटे एक थी दोढ़ वर्ष जेटलो समय निकली जतो होय छे अने तेमां पण 22 जेटला कलाकारोनी डेट्स अने बधुं मेनेज करी अने 54 दिवसनी अंदर शूटिंग पूरुं करवुं, तेना माटे धनराज फिल्म्सनी समग्र टीमनो खूब साथ सहकार रह्यो छे, आर्टिस्टोनो खूब ज साथ सहकार रह्यो छे। અને આપ સૌને જાણતા એ ખૂબ આનંદ અનુભવું છું કે આજે આ 17 જૂનના રોજ રિલીઝ થયેલી ફિલ્મમાં ઓલ ઇન્ડિયા લેવલેથી દરેક જગ્યાની મેલ SMS આવી રહ્યા છે અને ખૂબ જ સારા રિપોર્ટ આ મૂવીના નીકળ્યા છે। આજે 17 જૂનના રોજ 5 મૂવી એક સાથે રિલીઝ થઈ છે, જે ઘણી મોટા બેનરોની ઘણા મોટા ડિસ્ટ્રીબ્યુટરો સાથેની મૂવી હોવા છતાં બિન બોલાયે મારાથી નહીં ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે। આપણા માટે ગૌરવ લેવા જેવી બાબત છે કે રાજકોટનું એક ગ્રુપ બોલિવૂડમાં એન્ટ્રી કરી અને એક સરસ કોમેડી હિલેરિયસ કોમેડી મૂવી નું અર્પણ કર્યું છે। આપ સૌ મિત્રોનો સાથ સહકાર પહેલેથી જ મળતો રહ્યો છે અને આગળ પણ ધનરાજ ગ્રુપને આ જ રીતે આપ સૌનો સાથ સહકાર મળતો રહેશે એવી અપેક્ષા સાથે રહેવું છું। થેન્ક યુ। આપ સબ નયે રૂપ મેં કેસા લગ રહા, ખુદ ક્યા ફીલ કર રહા? પહેલી બાર રાજકોટ આ રહા ઓર બહોત ખુશી કી બાત હૈ કી હમારી નઈ ફિલ્મ કી શરૂઆત, જૈસે કી મેં સોચતા હું આજ રિલીઝ કા ડેટ હૈ, રિલીઝ કા દિન હૈ 17 જૂન और इस शुभ दिन पर हम लोग यहाँ राजकोट में मौजूद हैं, हमारी फिल्म के बारे में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, आपका आप सबके सामने हाजिर हैं। हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर जेठानी यहाँ से हैं, बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हम उनके शहर में जहाँ वो रहते हैं रिलीज़ के दिन पर आप सबके सामने फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ बुलाने के लिए जेठानी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में यहाँ पर आने की बहुत खुशी हो रही है। जहाँ तक मेरे लुक का सवाल है, जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाया गया तब मुझे इस तरह का किरदार आज तक कभी ऑफर नहीं किया गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नए किरदार के लिए एक नया लुक पेश करूँ अपने लोगों को, हमारे दर्शक को, क्योंकि ये काफ़ी अर्ली कैरेक्टर है, ये छोटे शहर का कैरेक्टर है और मुझे 40 साल हो गए इसके पहले, लेकिन आज तक मैंने ऐसा लुक किया नहीं था, तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक चेंज के तौर पर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ अलग लेके आए, तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था और हमें अच्छी लगी, तो पूरी तरह से कैरेक्टर में बैठ गया और बाकी तो इतिहास गवाह है आपके सामने। मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि धनराज जी का जो खासियत है वो ये है कि वो दखल अंदाजी में बिलीव नहीं करते, वो दिल के बहुत साफ हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, उनको फिल्म बनानी थी, उन्होंने फिल्म बनाई, किसी की नहीं सुनी। जहाँ तक फिल्म का सवाल था, जहाँ तक फिल्म में पैसे लगाने थे, जिस तरह से लगाने थे उन्होंने लगाया पूरी कन्विक्शन के साथ। हम सब लोगों पर जो फिल्म के हिस्से हैं, हम लोगों पर भरोसा रखकर इतना सारा पैसा लगाया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज की तारीख में एक ऐसा इंसान भी है जो
पूरी तरह से बिलीव करके एक प्रोजेक्ट में अपने खुद का पैसा डालता है और उनकी कन्विक्शन आज तक इस बात की गवाह है कि हम लोग आज भी यहाँ पर रिलीज के दिन पे प्रमोट किए जा रहे हैं। और जो फिल्म एक सपोजिटली छोटी फिल्म के मतलब जाने वाने से ऐसा हम लोगों ने सोचा था कि एक छोटी फिल्म होगी शुरुआत में, उतनी छोटी नहीं रही, छोटी से मीडियम बजट की होगी, मीडियम से बिग बजट की होगी, क्योंकि इतने सारे अच्छे महान कलाकार हैं इस फिल्म में, इतने सारे किरदार हैं। और अगर आप फिल्म देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि किसी भी एक एरिया में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था प्रोडक्शन के हिसाब से। एक्टर तो बहुत मतलब फर्स्ट क्लास है इस फिल्म में, इतने सारे महान कलाकार हैं। डायरेक्टर ने भी अपनी जी जान लगाकर इस फिल्म को इतने प्यार से सच्चाई से बनाई है, तो उनके बारे में जितना भी कहूँ कम है। लेकिन ये बात तो जाहिर है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में बिलीव करके, इस प्रोजेक्ट में कन्विक्शन के साथ पैसा लगाया। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि अगर ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर कमाल करे और उनका जो कन्विक्शन था कि इस फिल्म में पैसा लगाओ वो उनका पैसा रिकवर हो जाए, मैं चाहता हूँ। और भले ही वो राजकोट करूँ, मुझे तो शौक है, मुझे तो खुशी की बात है कि मैं यहाँ पहली बार कभी आया नहीं, मैं गुजरात में आया हूँ लेकिन सूरत गया हूँ, अहमदाबाद गया हूँ फिल्म को प्रमोट करने के लिए, लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि राजकोट के लोग कैसे होते हैं और यहाँ की मीडिया कैसी होती है। लेकिन एक एक अंदाज़ा हो रहा है, एक अच्छा पर महसूस हो रहा है कि आप अच्छे लोग हो और आपको फिल्मों से भी बहुत प्यार है, लगा हुआ यहाँ अच्छा नहीं अपनापन महसूस हो रहा है। बिल्कुल अपनापन ही महसूस हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लगा कि इन सब महान कलाकारों के साथ एक ही फिल्म एक ही कहानी में हिस्सा लेना ये बहुत बड़ी बात है। और ना सिर्फ ये महान कलाकार लेकिन बहुत महान इंसान है, उनकी इंसानियत पे मैं मतलब मैं बोलते ही जा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मैं थोड़ा ही बोलना चाहता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं सबके साथ एक ही फिल्म में काम कर चुका हूँ, क्योंकि यही किरदार को चुनना, किसी एक कलाकार को चुनना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मतलब हिम्मत जी है, जॉनी लीवर साहब हैं, रज़ाक खान, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, विजय राज, गुलशन रोग, शक्ति कपूर, श्वेता भारद्वाज, श्वेता तिवारी, मल्लिका शेरावत, दीशा कोठारी, नीरज वोड़ा, ओम पुरी जी, रति अग्निहोत्री, तो मैं किस किस का नाम लूँ, और इन सब के साथ मैं कहीं ना कहीं काम कर चुका हूँ, तो बड़ा मुश्किल है किसी एक किरदार एक कलाकार का चुनना। मैंने एक्चुअली ऑन द डॉटेड लाइन को साइन नहीं किया, लेकिन काफ़ी अफवाहें जो है वो फैल रही है कि कोई ना कहीं कुछ ना कहीं से आ रहे, लेकिन ऑनेस्टली कन्फर्म कुछ नहीं है और ये मैं सच बात आपको बता रहा हूँ, मैंने साइन कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ ये फिल्म के अलावा प्लेयर्स में एक छोटा सा कैमियो किया है श्वेता के साथ, और उसके अलावा मैंने और कुछ फिलहाल साइन या शूटिंग शुरू नहीं की। दो तीन प्रोजेक्ट है जो जिससे यहाँ पर मेरी बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल कुछ साइन और कुछ शूट नहीं है। आपका हंगामा के बाद एक बहुत बड़ा गैप हो गया था हेल्थ के लिए, इस फिल्म से आपको कितनी, ये भी कॉमेडी मूवी। एक्चुअली हंगामा के बाद दो तीन फिल्में आई जहाँ पर मैंने कॉमेडी की, जैसे कि मस्ती और मेरी खुद की फिल्म के आविष्कार है, लाइट हार्टेड कॉमेडी ही थी, आलू चाट एक रोमांटिक कॉमेडी था, तो काफ़ी सारी फिल्में की जहाँ पर कॉमेडी थी। उम्मीद तो मेरे ख्याल से जिस दिन से मैं फिल्म साइन करता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि मुझे कुछ भी करके जी जान लगा कि इस फिल्म को सक्सेसफुल बनाना ही है। एटलीस्ट यहाँ पर जहाँ तक मेरे परफॉर्मेंस का सवाल हो, तो मेरे लिए सबसे अहम बात है कि मैं किसी को लेट डाउन ना करूँ। जहाँ पर मुझे अपना काम करना है वो मैं ज़रूर काम डिलीवर करके अपने डायरेक्टर को खुश रखूँ। और फिल्म का जो डेस्टिनी होता है, फिल्म का जो आउटकम होता है, वो तो भगवान के हाथ में होता है, दर्शक के हाथ में होता है। कुछ फिल्में चलती हैं, कुछ फिल्में नहीं चलती, लेकिन उम्मीदें तो वही रहती है कि हर फिल्म के साथ मैं कामयाबी पाऊँ, सक्सेस पाऊँ, बस। इस गाने को कैसीनो में फिल्माया गया, ओरिजिनल कैसीनो था, तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे कि हम यहाँ शूट नहीं कर सकते, हम यहाँ शूट नहीं कर सकते। हमने काफ़ी सारी मुश्किलों के बावजूद गाना दो दिन में ख़त्म किया और गाना आप सब लोग के सामने, अब आप सब बताइए कि आपको गाना कैसा लगा। टीवी और फिल्म में जैसे
टीवी में आपने ऑफिस ऑफिस हो गया टीवी सीरियल जो है ऐसे सीरियल्स में आपने मुझे देखा होगा, तो उसमें हम चुपचाप जाते हैं शूटिंग करते हैं और घर आ जाते हैं। फिल्म में ऐसा नहीं है, फिल्म में बहुत बड़ा एक व्यवसाय है। टीवी कुछ लोग देखें या न देखें उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो एक जैसे नौकरी वाली बात है। सिनेमा थोड़ा सा बड़ा ग्राफ है, पूरे सिनेमा और फिल्म में अगर आप उससे अंतर पूछें तो ये अंतर ऐसा है कि जैसे अखबार और उपन्यास में जो अंतर होता, अखबार सुबह बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे जैसे 11, 12, 1 बजे तो अखबार में धीरे धीरे फिर बच्चों का मोटिविटी भी साफ होने लगती है। उपन्यास है फिल्म, आज कृष्ण को जो है कितनी बार में जो देश विदेश पे फोन आते हैं भाई कृष्ण देख रहे हैं आपकी, या आप फलानी फिल्म देख रहे हैं, बधाई देख रहे हैं, या मुझे कुछ कहना है देख रहे हैं, या तो मेरे लिए मतलब टीवी पे मैं टीवी सीरियल भी मैंने किए हैं, लेकिन फिल्में जो किए हैं वो टीवी से ज़्यादा बार टीवी पे दिखाई गई। આપણે સૌ હવે સાથે પ્રીમિયરનો આનંદ માણીશું।